चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए प्रिय बहन भाइयों, सत्संग प्रेमी जनों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की सत्संग में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान कृष्ण चंद्र कह रहे हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि की कोशिश करता है, सिद्ध बनने की चेष्टा करता है, सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहता है, आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहता है, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक। और जो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें से भी भगवान कहते हैं यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। इन हजारों सिद्धों में से भी कोई एक पुरुष, एक सिद्ध पुरुष मुझे तत्व से जान पाता है, मुझे पहचान पाता है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थिति है। आइए तो पिछले सत्संग से आज के सत्संग की कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया है कि चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। इनमें से शुद्ध भक्त वही है जो मुझे तत्व से जानता है। तेसाम, पहले भगवान ने बोला है कि चतुर्विधा वयन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सभा। हे अर्जुन, चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। इनमें से तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सहच मम प्रियः। इन चारों श्रेणी के भक्तों में से भी वह ज्ञानी भक्त जो मेरी सेवा में नित्य युक्त है, मेरे में मनवाला है, यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यद तपस्यसी कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम्, जो मेरे लिए ही खाता है,
यज्ञ दान करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है एकमात्र मेरे लिए, अपने जीवन में मुझे सब कुछ मानते हुए, पिता हमश्य जगतो माता धाता पिता महा, मुझे ही पिता माता धाता बाबा सब कुछ, सर्व देव देवा त्वमेव माता च पिता, सब कुछ मुझे मानता है। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, एकमात्र सर्वत्र मुझे देखते हुए मेरी ही सेवा करता है, सर्वत्र मुझे देखते हुए। ये विराट के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे मेरे साथ व्यवहार कर रहा हो। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, एकमात्र शुद्ध भक्ति में स्थिर रहता हुआ मुझे सब कुछ मानता हुआ, मेरी शरण लिए हुए, मेरे से एक तारतम्य बने बनकर जीवन जीता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम। इसलिए हे अर्जुन, अति अर्थों में उस ज्ञानी भक्त के हृदय में मैं वास करता हूं, उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं, अति अर्थों में प्रिय हूं। सच मम प्रिय हो, और वो भी तो मुझे अत्यंत प्रिय है, कहिए कि मेरी आत्मा ही है। लेकिन भगवान ने आगे कहा कि चार प्रकार के ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मुझे मेरी शरण में नहीं आते। इनकी श्रेणी भागवत शास्त्र के अंदर बहुत सुंदरता से दी है। ऐसे जो भगवान की शरण नहीं लेते, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए, ऐसी कथाएं भागवत के अंदर वेद व्यास जी महाराज ने उद्धृत की हैं। कुंभकर्ण या रावण या मेघनाथ क्यों भगवान की शरण लेने लगे? क्योंकि इनका आसुरी स्वभाव है। हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु, शिशुपाल दंतवक्र जरासंध क्यों भगवान की शरण लेने लगे? क्योंकि इनका तो आसुरी स्वभाव है, ये तो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं। मधु कैटभ सृष्टि में असुर पैदा हुए, प्रथम असुर है सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में मधु और कैटभ, ये क्यों भगवान की शरण में आने लगे? नहीं, नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। ये चार प्रकार की व्यक्ति अर्जुन मेरी शरण में नहीं आते। भगवान ने कहा जो बुरे कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, इनको दुष्कृतिनो कहा, बुरे कर्म करने वाले। नैमान दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा और एक मूढ़ा है मूर्छित आदमी, बेहोश आदमी, नशे में आदमी अगर हो, शराब की बोतल चढ़ा ली हो, तो क्या वो भगवान को याद करेगा या भगवान की शरण लेगा या भगवान की सेवा करेगा? स्वप्न में भी नहीं। वो तो सम्राट है शराब पीने के बाद, वो खुद ही भगवान है, किस भगवान को मानेगा? ये नशा शराब का ही नहीं, धन मद पद मद ऐसे नाम दिए हैं समाज ने ये नशों को,
धन का भी नशा हो, शायद शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। पद मद, कोई बड़ा पद मिल जाए, औहदा मिल जाए, उसका भी नशा बहुत है। रूप का नशा है, अनेक प्रकार के नशे हैं, और ये सभी नशे तमोगुण अज्ञानता में, मूर्छा में ले जाते हैं। मूर्छित आदमी को तो होश नहीं, तो फिर मूर्छित आदमी कैसे भगवान की शरण ले। मूर्ख लोग भी यही मूर्ख लोग हैं, यही मूर्ख लोग हैं। चैतन्यता को प्राप्त करना चाहिए, ये मूर्छा को प्राप्त हो रहे हैं, यही मूर्ख लोग हैं। इनको मूर्ख भी कहा है, इनको ही अचेतन भी कहा है, मूर्छित भी कहा है। नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। और नरों में यानी मानव जाति में जो अधम है, अधम बोले तो गिरे हुए, अधर्मी, जो धर्म से दूर हट गए हैं और अधर्म की शरण जिन्होंने ले ली है, ये नर अधम है। नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया आपरित ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो इन सभी का, चार प्रकार के प्राणियों का, व्यक्तियों का, जो मेरी शरण नहीं लेते, असुर स्वभाव वाले हैं, इनका माया यानी भ्रम, इल्यूजरी पोटेंसी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, माया ने इनका ज्ञान का अपहरण कर लिया है, यानी ये ज्ञानहीन है, अज्ञानी है, अचेतन है, अधर्मी है, असुर है, अकृत करने वाले हैं, दुष्कृत जिसको कहा है, बुरे नीच कर्म करने वाले, ये चार प्रकार के मेरी शरण में नहीं आते हैं। फिर भगवान ने कहा है कि ये शुद्ध भक्त जो मेरी, मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं, जो ज्ञानी है, तत्व से मुझे जानता है, पहचानता है, भगवत साक्षात्कार जिसने कर लिया है, ऐसा शुद्ध भक्त अनेकों को शुद्ध बना देता है, और बिना शुद्ध भक्त बने बिना श्री कृष्ण को नहीं जाना जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए भगवान ने पहले ही ये तुरप लगा दी है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों में से कोई एक आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है, और ऐसे आत्म साक्षात्कार सिद्धि प्राप्त लोग हजारों में से कोई एक उस निर्मल दशा को, उस शुद्ध दशा को प्राप्त कर पाता है, उस ट्रांसेंडेंटल भगवान के धाम को, जिसको शास्त्रों में गोलोक वृंदावन कहा गया है, प्राप्त कर पाता है, जहां पर उसको स्पिरिचुअल शरीर भगवान की सेवा करने के लिए मिलता है, भगवान की सेवा करता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने वाले को, इटर्निटी में पहुंचने वाले को इटर्नल बॉडी मिलती है, ये सीक्रेसी भागवत गीता खोलती है। और जो आत्मा है, बहुत से अज्ञानतावश जिनको बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, ऐसे कहा करते हैं अपने अपने को प्रसन्न करने के लिए कि जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है,
जैसे बतासा पानी में घुल जाता है, ऐसे ही मोक्ष का मतलब उन्होंने लिया है कि मुक्त होने के बाद में निराकार में समाहित हो जाते हैं हम लोग, हमारी आईडी खो जाती है, हमारी पहचान खो जाती है कि हम इंडिविजुअल आत्मा हैं। लेकिन ये गीता में भगवान ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता, नामे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्त है तो भगवान है, भक्त यदि भगवान में मिल जाएगा तो भगवान भगवान नहीं रह जाएंगे। भक्त रहेगा तभी भगवान रहेगा, भगवान बचेगा जबकि भक्त बचेगा। इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट स्पष्ट रूप से समझ लेने चाहिए। भगवान आदि पुरुष नारायण गोविंद भगवान श्री कृष्ण है और हम उनके अंश हैं, हम इंडिविजुअल आत्मा हैं। हम सब, आप इस संसार में हैं तब भी इंडिविजुअल हैं, भगवान से पृथक रूप से हैं, और आपकी मोक्ष हो जाए, संसार से आवागमन से छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण जरा व्याधि से छूट जाए, जम के फंदों से मुक्त हो जाए, तो भी आप इंडिविजुअल रहते हैं। निराकार के प्रेमी भी इंडिविजुअल रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के प्रेमी भी इंडिविजुअल रहते हैं, परमात्मा के प्रेमी भी इंडिविजुअल रहते हैं, और भगवान के भक्त भी भगवान के धाम में भगवान की शुद्ध स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सेवा में संलग्न हो जाते हैं, साक्षात भगवान के चरण स्पर्श करने का अवसर उन्हें प्रदान होता है। भगवान नर आकृति है भगवान की, ये शास्त्रों से इसका निष्कर्ष निकला है। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष परम पिता परमेश्वर हैं और उनकी नर आकृति है, जैसे हम हैं नर ऐसे ही वो हैं। उनका सच्चिदानंद विग्रह है, जो ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद है, इटर्नल है, आनंद स्वरूपा है, ज्ञान स्वरूपा है, पूर्ण ज्ञान स्वरूपा है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, और हमेशा के लिए है, इटर्नल है, सत है, वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। भगवान का साक्षात साकार स्वरूप वही सुप्रीम पर्सन को ही शास्त्रों ने एब्सोल्यूट ट्रुथ कहा है, परम सत्य कहा है। परम सत्य का कभी नाश नहीं होता, उनके श्री विग्रह का नाश नहीं होता, और उनका ही नहीं, उनके शुद्ध भक्त जो भगवान को पा लेते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं, उनको भी श्री विग्रह सच्चिदानंद ही मिलता है। उनका शरीर भी नवयौवनम च नित नूतन तरुण अवस्था में भगवान की सेवा के लिए सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति होती है। हमने भौतिक शरीर सुने जाने देखे हैं, लेकिन भागवत गीता में यह प्रमाण मिल जाता है कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। वो ये शरीर को त्याग करके और सच्चिदानंद शरीर की प्राप्ति कर लेता है, फिर कैसे नाश होगा। भक्त कहते हैं ये भगवान की सेवा करता है, तो सेवा करने के लिए कुछ दो आंख तो चाहिए, दो हाथ तो चाहिए, दो पांव तो चाहिए, तभी तो सेवा करोगे।
भक्त का मतलब है सेवक, भक्त का मतलब आत्मा नहीं है। तो भगवान का, भगवान कह रहे कि नामे भक्ता प्रणश्यति, कौन ते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कौन ते ये घोषणा करते, हे अर्जुन तू ये घोषणा कर दे शंख बजाकर कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, जो मुझे प्राप्त कर लेता है मेरे धाम में आ जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। कैसे नाश होगा, भक्त का शरीर सच्चिदानंद है। जैसे भगवान स्वयं श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान नवयौवन है, ऐसे ही भक्त भी नवयौवन होते हैं उनकी सेवा के लिए वहां पर। ऐसे भगवान की यह आध्यात्मिक सृष्टि है, इसमें जिन्होंने प्रवेश किया है उनको ही इसका मालूम है। जिन्होंने भगवान को तत्व से जाना है, पहचाना है, वो ही इस विषय में कुछ कह सकते हैं। या फिर जिनकी श्रद्धा भगवान के ये अकट, जिनको कोई काट नहीं सकता, ऐसे श्रीमद् भागवत गीता के वाक्यों में अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वो भगवान को, भगवान के विषय में कुछ कह सकते हैं। उनको, उनकी श्रद्धा दृढ़ हो चुकी है, वो भगवान के लिए जान चुके हैं, समझ चुके हैं और उस मार्ग में वो भी कुछ कह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान को पा लिया है, चैतन्य महाप्रभु हो, ठाकुर हरिदास हो, मीराबाई हो, नामदेव महाराज हो, संत तुकाराम हो, त्रिलोचन भक्त हो, भक्त प्रहलाद हो, ध्रुव भक्त हो, नारद भक्त हो, जिन्होंने उनको जाना है पहचाना है, वो कहते हैं कि वो नारायण श्याम सुंदर हैं, उनके सलोने नेत्र हैं, उनके सुहावने नेत्र हैं, उनके कर कमलों में मुरली है, उनका ये नाम मुरलीधर है, बंसीधर है, वेणुधारी, हे गिरधारी, अवजानंती माम मूढ़ा। तो भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचान पाते। किसी किसी को निराकार का भी नशा हो जाता है, तो जिसको निराकार का नशा है वो साकार को मानने से इनकार कर देता है। इस विषय में भी भगवान ने कहा है, यही सातवें अध्याय के संदर्भ में जो चल रहे हैं सत्संग, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम अवजानंती अव्यक्तम अबुद्धया। भगवान का अबुद्धया, जिनको बुद्धि नहीं है यानी बुद्धिहीन है, जिनके खोपड़ी है ही नहीं, अबुद्धया अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, जिनके खोपड़ी नहीं है, सिर नहीं है शरीर में, मस्तिष्क नहीं है, ब्रेन नहीं है, ब्रेनहीन जो है, ऐसे व्यक्ति मुझे वो अव्यक्त निराकार से और साकार रूप में प्रकट हुआ समझते हैं। कोई निराकार से ही दुनिया आ रही है, निराकार से ही देवता प्रकट हुए, निराकार से ही ब्रह्मा प्रकट हुए, निराकार से ही कृष्ण आया, राम आया, उनके अवतार आए। भगवान ने ऐसे लोगों को बुद्धिहीन कहा है। और ऐसा मानते कौन है जो निराकार में मूर्छित है, बेहोश है निराकार के नशे से। निराकार को प्राप्त किए हुए लोग, निराकार को
जो जानने लगे, जो पहचानते हैं केवल एकमात्र निराकार को, उन्हीं को तो यहां पर बुद्धिहीन कहा जा रहा है। और ऐसे ही लोग मानते हैं, ऐसे लोग प्रचार करते हैं, ऐसे ही लोग कथा करते हैं, भगवान के तो भक्त है ही नहीं, निराकार के नशे में चूर है। फिर वो लोगों को यही कहते हैं कि राम आया, कृष्ण आया, बराह आया, नरसिंह आया, वामन देव आए, ये सब वो निराकार में से ही आते हैं। गुरु नानक आए, चैतन्य महाप्रभु आए, ये सब निराकार में से आते, देवता लोग आए, आप हम सब आए, निराकार में से आते हैं और निराकार में मिल जाते हैं, जिनकी मोक्ष हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। ये सरासर गलत है। भगवान कहते हैं ये बुद्धिहीन लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, जानते कुछ नहीं, मानते हैं ऐसा, और प्रसन्न होते हैं उन निराकार के नशे में। भागवत गीता में भगवान का स्पष्ट स्वरूप का वर्णन किया गया है, भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं, और अनेक जगह दूसरे दूसरे शास्त्रों में भगवान को कहा गया है नर आकृति स्वरूप से, गोप वेश उनका ओरिजिनल वेश है भगवान का, जो परम धाम गोलोक वृंदावन में साक्षात स्वयं दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। नारायण भी उनका द्वितीय स्वरूप है, भगवान के चतुर्व्यूह निकलते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न, ये चारों ही चतुर्व्यूह प्रत्येक वैकुंठ के धाम में नारायण को घेर करके बैठते हैं। भगवान का नारायण स्वरूप चार भुजाओं वाला, ये भगवान का द्वितीय स्वरूप है, जो द्वारकाधीश भारत में द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे तो भगवान द्वारकाधीश के चार हाथ हैं, चार भुजाएं हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि से 11 वर्ष और 52 दिन की अवस्था में ब्रज भूमि को त्याग करके द्वारकापुरी चले गए, वो ही उनका नारायण स्वरूप है। केवल 11 वर्ष और 52 दिन तक ही भगवान श्री कृष्ण ने परम रूप दिखलाया ब्रजवासियों को, परम लीलाएं की, वही उनका परम स्वरूप है। यशोदा के आंगन में खेलने वाले बाल मुकुंद, बछड़े चराने वाले मुकुंद, गौ चराने वाले गोपाल, कालिया नाग नाथने वाले खिलाड़ी, ये भगवान का परम रूप है। जो रूप भगवान ने यह दर्शाया वही उनका रूप है, वो सच्चिदानंद विग्रह है उनका। वो अपनी लीला से, योग माया से बालक बन जाए, बड़े बन जाए, तरुण बन जाए, किशोर बन जाए, वो उनकी इच्छा है।